सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। आजा, क्यों बदनामी करोगे? तेरा कहानी खत्म। अब जा पैक पैक में पैक करा। अपनी बीवी की ऐसे कोई बदनामी करते सुप्रीम कोर्ट में जाके? ऐसा मत करो, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ। अब तुम्हें 8 दिन करेगी? 8 दिन होता है? तुम्हारी जैसी औरतें हैं वो बलात्कार के कारण होती है। तो मैं तेरे नाम पे पिटीशन फाइल करूं या तो मैं वो रस्सी लेकर के इस पंखे से लटक जाऊं? हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम चो, कैसे हैं आप सभी भाई और बहन? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, अभी सो करके उठा हूँ नाइट ड्यूटी के साथ बाद। और वैसे मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया है और वो मैसेज इतना ख़तरनाक है कि मेरी मैडम का दिमाग और दिल जो है दोनों हिला के रख देगा। तो आइए उस वीडियो को लेकर के करते हैं उनके साथ एक छोटा सा मजाक। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। अब आएगा मजा, अब आएगी दौड़े दौड़े फिर। अरे दौलत या शोहरत दुआ दोगे तुम या कोई महल? 1, 2, 3 नहीं आएगी। ये क्या भेजे है जी? हाँ? गाना देखो कितना अच्छा है। अरे दौलत या शोहरत दुआ दोगे तुम या कोई महल नया दोगे तुम? लिखा क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने हम जैसे लोगों के लिए ना दरवाजा खोल दिया। रे भाई, मेंटेनेंस के हकदार नहीं हो तुम, कहना ये ले लो, मतलब ये ले सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया। जो औरत अपने पति के साथ संबंध बनाने में करे मना, मेंटेनेंस का अधिकार ये। अब आ बेटा, तू रो ले। क्या मैं क्या आऊंगी? मेरे को बस वह एक पिटीशन फाइल करना है कि मेरी बीवी भी जो है इसी लिस्ट में आती है, जो जो क्या कौन सा संबंध कहते हैं, शारीरिक संबंध, शारीरिक संबंध बनाने में मेरे साथ असक्षम है, खुश नहीं है। और खुश तो है, खुश क्या, खुश तो तुम हो ही नहीं। उसके बाद उसकी इच्छा ही नहीं है, उसके अंदर कोई हारमोन्स ही नहीं है, उसके अंदर तला कुछ है ही नहीं, भगवान कुछ बना ही नहीं है, कटिंग वटिंग किए ही नहीं है। सलाह सब जब लिख दूंगा ना, उसके बाद तेरा तो मेंटेनेंस नहीं, तेरा तो तबादला करेगा वो, तबादला तड़ी पार कर देगा तेरे को यहां से। जा, अब आएगा मजा बेटे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, ये ले। अब तेरे को मैं ना, अब तुझे जो है ना सलग मेरे से अलग होने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं, तेरा बाप भी नहीं, तेरी माँ भी नहीं, तेरा फूफा भी नहीं, तेरा बाप। क्यों बोलते हैं झूठ? क्यों बोल रहे हैं झूठ? मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये तो सच बोलेगा। अरे दौलत या शोहरत दुआ दोगे तुम ओ कोई महल नया दोगे तुम? अब बोल कुछ बोल। पहले तो बड़ा लड़ लेती थी, अब कैसे लड़ेगी? अब तो सलाह अगर मेरे को मारी पीटी की ना, 302 का थारा भी लगाऊंगा, 302 हाफ मर्डर, 309 सलाह बलात्कार, 336 मतलब मैं कानून का थोड़ी पढ़ा हुआ लिखा हूँ, सलाह 8 धारा लगवाऊंगा तेरे पे, 8। और सलाह कोई माई का लाल धरती पे नहीं है तो तेरे को इस बार बचा ले। अब बोल। कल सुबह फाइल करूंगा, 2 से 3 दिन में तेरे पास लेटर आएगा। प्रिया पटेल जो है कृपया करके सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में हाजिर हो। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय जज, सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय जज जो मेरे लिए भगवान का अवतार लेकर के आए हैं, आपकी मार लेंगे। टिंग 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 टिंग। हाँ, बोलेंगे झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है। हाँ, पति की इसमें साफ लिखा हुआ है इस कानून में कि पति ने अगर ये सब बोल दिया, हाँ, तो साला रिश्ता खत्म। हम बोलेंगे रिश्ता खत्म। मैं बोलूंगा सुप्रीम कोर्ट के जज को कि आप चलिए मेरे घर, मेरे बेडरूम में सोइए, देखिए कितने दिन रिश्ता बनाती है।
अरे बाप रे, अब तू गई, तू गई चलो, ओहो तेरे ऊपर दया आ रहा है मेरे भाई, अब तेरा कुछ नहीं होगा, अब तो सरकार भी हमारे साथ है, सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ है। ऐसा मत बोलो, बोलो अब आया पहाड़, चूहा पहाड़ के ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है, ऊंट आया पहाड़ के नीचे बेटा, इसीलिए कहा जाता है पति को जितना मांगे उतना दो, नहीं तो किसी दिन ये कानून लागू होगा, देखो हो गया लागू, ठीक ना, आ गया ना कानून, खत्म कहानी, तुम जैसे जितने हैं ना समाज में गंदगी, सबको सुप्रीम कोर्ट वाला एक साथ झाड़ू मारेगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बोलूंगी मेरा नॉर्मल है, इन्हीं का अपर है, ठीक है ना, अपर है तो अपर दो, अपर दो कैसे, जो चीज नॉर्मल होती है, अगर मान लो एक बात समझो, मेरे अंदर ज्यादा है तुम्हारे अंदर कम है, तो मैं फड़फड़ाऊंगा और कहीं जाकर के गलत काम करूं, बलात्कार करूं, उससे अच्छा है कि बीबी क्यों दी गई है, इसीलिए दी गई है, शादी क्यों कराया जाता है, इसीलिए कराया जाता है कि साला आदमी मर्द जो आए बाहर मुंह न मारे घर में मुंह मारे, तुम मारने नहीं दे रहे हो, तुम बलात्कार के कारण हो, तुम्हारी जैसी औरतें हैं वो बलात्कार के कारण होती हैं, वो लोग घर में नहीं अपने पतियों को देती है, पति जाता है बाहर, जबरदस्ती होता है या तो फिर साला रेड लाइट एरिया होता है, ठीक ना, तो ये सब कारण वो तुमको गिनाएंगे, ठीक ना, सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने उस वीडियो को लेके बैठे हैं, वो वीडियो नहीं वो कानून है, वो कानून है, अरे दौलत या शोहरत दुआ दोगे तुम या कोई महल नया दोगे तुम, ले 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 ले, अब क्या होगा तेरा रे, तू जाएगी अपने घर, चले जाएंगे हम, आज सलाम निदाई रह लोगे मेरे बगैर, हाँ सलाम तेरे बस, तेरे साथ रह के भी कौन सा मैं हो रहा है, कहते हो प्यार प्यार प्यार, अरे प्यार सारा यहाँ से शुरू होता है और यहीं पे खत्म होता है बे, सुबह 6 बजे उठते हैं जब, तो प्यार यहाँ से शुरू होकर के रात को 12 बजे तक प्यार यहीं खत्म होना चाहिए, लेकिन तेरा प्यार कहीं और खत्म होता है, किचन में थोड़ा सा प्यार शुरू होता है, झाड़ू मारते पोछा मारते सारा प्यार जो है किचन में सारी माँ बहन हो जाती है, सर ऐसा प्यार मेरे को नहीं चाहिए, सर किचन से प्यार करने के लिए लाए हैं कि अपने से प्यार करने के लिए लाए हैं, ये बता दो, गलत बात ना करिए हमसे, और जो है देखिए इस बारे में एक जगह इस बारे में तो मेरे पास इतने सारे वीडियोस बनाए हुए हैं मैंने ना, कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जब मैं स्क्रीन पर चलाऊंगा ना, वहाँ पे बड़ा सा स्क्रीन होता है कोर्ट में, ठीक है, सारा अपना जो प्राइम वीडियो सब चलाऊंगा, पूरी जनता मेरा साथ देगी, जितने मेरे सब्सक्राइबर जितना मेरा फैमिली यूट्यूब फैमिली ना सब मेरा साथ, मैं अभी एक वीडियो बनाऊंगा, सुन मैं जिस दिन मेरा वो होगा पेशी, जिस दिन पेशी होगा डेट होगा उस दिन मैं सारा वीडियो बनाऊंगा कि इस तारीख को इतने बजे सुप्रीम कोर्ट में जितने भी मेरे सपोर्टर हैं सब आए, और जितने भी वो मर्द हैं जो मेरे जैसे हैं परेशान हैं अपने बीवी से, साले सब पहुंचूंगा, ऐसा नहीं करते, ऐसा थोड़ी कोई करता है, अरे मैं कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट कर रहा है भाई, जाके आप वहाँ पे अपनी तकलीफ को क्या मिलने वाला है, इज्जत कुछ भी नहीं मिलने वाला है भाई, जब नश्वर है तो तू साधु बनके चल जा, सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए पंचायती क्यों कर रही है, तू निकल ले झोला जकड़ मेरे पे, मैं भी नश्वर तू भी नश्वर, ये सारा बिस्तर भी नश्वर, पंखा भी नश्वर, कूलर भी नश्वर, सब कुछ नश्वर, तो तू यहाँ करके आ रही है, तू जाना जा काशी विश्वनाथ मंदिर में जा करके बैठ के तनाव तो वही तो कह रहे सब कुछ वही भगवान ही है, भगवान के पीछे ही लग रहा हूं मैं तेरे को आजाद कर दिया, तू जा मेरे को अपनी जिंदगी जीने दे शांति से, जीने देगी तो मैं नहीं करूंगा, और अगर मेरे सर पे बैठी रहेगी तब तेरे को सुप्रीम कोर्ट तक घसीटूंगा, ये क्या बात करता है यार, बोल है मंजूर है मंजूर, नहीं मैं आपको छोड़ सकती हूँ, नहीं तो वो ऐसा नहीं होता बेटा, ये सब बातें ऐसा मत करो, देखो आप मेरे से प्यार करते हो, तेरे से प्यार करता हूँ साला, तू तेरे जैसे आदमी से प्यार नहीं किया जाता है, तेरे जैसे आदमी को जेल में डलवाया जाता है, ठीक ना, रोज जो जेलर है ना उसको बोला जाता है कि 2-4 लाठी लेके इसको सूट, समझे, वो पहले अपने आप को समझ, कल सुबेरे जो है तेरे नाम फाइल करूंगा मैं पिटीशन, उसके बाद देख तू जलवा तेरा क्या हाल करता, तेरे को तो टांग के ले जाएंगे यहाँ से, पुलिस वाले आएंगी 4 लेडीज पुलिस कांस्टेबल, पहले 2 लाठी मारेंगी उसके बाद तू थप्पड़ मारेंगी, पर जीप में जबरदस्ती से घुसेड़ेंगी और पीछे से कर
तेरे जैसी को तो सिंगल पसली को तो एक तो काफी है, चार तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैं। ऐसे 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 दाब लगी ना अपने अंदर, ऐसे ऐसे दाब के लगी चली जाएगी, समझे? तू रेडी रह बेटा, बड़ा मस्त। हाँ हाँ, इतना आनंद की प्राप्ति हो रही है, समझ साला। एक बार खुशी हुई थी तब जब साला ये दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये फैसला किया था कि एक आदमी दूसरे आदमी से प्यार कर सकता है, एक औरत दूसरे औरत से प्यार कर सकता है, उस दिन में बड़ा खुश हुआ था। और आज दूसरी बार खुश हुआ हूँ साला, तुम जैसों के लिए जो है ना सबक है, तुम जैसों के लिए ना ये साला एक तमाचा है, ये जरूरी था। अब जमज में आएगा, मैं सबको पूरे ऑल ओवर इंडिया में खोज के मजाक मैं कर रहा हूँ तेरे सामने भी। आप ऐसा नहीं करोगे ना, तेरे सामने है। हाँ, मैं करूंगा नहीं करूंगा। मेरे पास दो ही रास्ता है बाबू, अब या तो मैं तेरे नाम पे पिटीशन फाइल करूं, या तो मैं वो रस्सी लेकर के इस पंखे से लटक जाऊं। बोल, चूज कर दोनों फिंगर में से। ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, तो पिटीशन फाइल कर, या तो तलाक दे जा, या तो सुप्रीम कोर्ट तक धक्के खा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। बोल क्या, दोनों नहीं करूंगा। अब तो तेरे को, मैं दोनों नहीं करूंगा, तेरे कहने से होगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट वाला जहां मारा साइन ऐसे ना, उसके बाद तो तू क्या, तेरा बाप चाहे तेरा भाई, तेरा मामा, तेरा फूफा, तेरा जो भी होगा, कोई माइक लाग में दम नहीं होगा जो आकर तेरे को यहाँ पहुंचा ले। उसके बाद मैं आजाद, और फिर ऐसी लड़की ढूंढूंगा ना जो दमदार हो, खुर्राट हो, फर्राट हो, सर्राट हो, मेरे को पकड़ पकड़ के उठा के पटके पिस्तर। हाँ, शादी से पहले जाकर, पहले शादी से पहले जाकर चेक कर लेना। हाँ करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। सुप्रीम कोर्ट का ये भी आता है, कर लो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। झूठ क्यों बोल रहे हो? अब तो बेटा तेरी लग गई, अब तो तेरी लग गई, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, समझे? कुछ भी नहीं हो सकता तेरा। तेरे सामने अब इधर खाई इधर मार, या तो इधर तरह ये चीजें क्यों बनती है? ये बनती है समाज को सुधारने के लिए। तुम जैसे लोग समाज को गंदा किए हो, तुम जैसे लोग जो है ना ये जो बलात्कार का रेशियो उसको बढ़ाते हो। मेरे अंदर कमी नहीं है, आपके अंदर है। मेरे अंदर कमी है? अगर मेरे अंदर कमी होती ना तो मैं पता नहीं कितनों के साथ बलात्कार कर चुका होता। मैं नॉर्मल हूँ भाई, तेरे अंदर कमी है। नॉर्मल से तू, मैं बोलूंगी, नॉर्मल से बिस्तर नीचे तेरा। मैं जाऊंगी वहाँ, बोलूंगी कि दिन में 10 बार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हमेशा मैं भी बोलूंगी बहुत कुछ, मैं भी बोलूंगी, देख लेना देख लेना। मैं इतना ऐसा ऐसा बोलूंगी ना, ऐसा इस पिटीशन पे कि तुम अब शर्म आके बैठ जाओगे, देख लेना। जब लास्ट स्टेज आ जाएगा, जब लास्ट स्टेज आ जाएगा तब देखना। ठीक, इस पिटीशन में लड़कियों को बोलने का आदेश ही नहीं है। कौन बोला? क्यों नहीं बोलेंगे? वो पिटीशन लेंगे, साइन मारेंगे, तलाक का आदेश देंगे और बाहर करेंगे। ऐसा कोई नहीं, गुनहगार को भी लास्ट मौका दिया जाता है बोलने का। चल ठीक है ना, लड़ लेंगे, बोलेंगे। लड़ लड़ेंगे, कहाँ लड़ेंगे? पहले जाओगे क्यों? बदनामी करोगे वहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, आ जा। क्यों बदनामी करोगे? एक एक आदमी को बुलाऊंगा जिसकी बीवी तेरे जैसी होगी, सबको न्योता भेजूंगा, पूरा वीडियो बनाऊंगा ऑल ओवर इंडिया में, जितने लोग हैं जिसकी बीवी दे नहीं रही है सब आओ, सब पिटीशन फाइल करो एक साथ। और जब इतनी पिटीशन हो जाएगी ना तो सुप्रीम कोर्ट वाले की मजबूरी हो जाएगी जज की, सारा इतने प्रताड़ित लोग हैं, इतना देश में आतंक, मेरे रहते हुए इतना शोषण आदमियों के साथ, कर देगा एकदम एक सेकंड के अंदर। जान ले आई बड़ा झूठ बोल रहा है। बिस्तरा बांध, बैग पैक करके रेडी रह, ये सब झमेले में मत पड़ कोर्ट कचहरी के, बाप का पैसा जाएगा अलग। बताओ अलग, किसी को क्या बताओगे? शर्म नहीं आता इसे टॉपिक पे लेके कोर्ट में जाने में? ना ना ना, जाएगा सर, मुझे कोई शर्म नहीं भाई, जिसने किया शर्म। तलाक के रीजन अलग अलग होते थे, आज आज तलाक ये रीजन हो गया। दे खुशी खुशी तलाक दे दे, मैं किसी को किसी को नहीं बताऊंगा, सुप्रीम कोर्ट तक भी नहीं जाऊंगा। तू बता, देखी, या तो प्यार से दे दे चुपचाप चली जा, या तो सुप्रीम कोर्ट में आ। होता है भाई, मेरे साथ हुआ है ना, शोषण हुआ है मेरा, तब मेरे को ये मत कुछ नहीं हुआ। आप झूठ बोलते हैं, आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं। सुन, आप बस एक्स्ट्रा करते हैं, हम जान रहे हैं। ऊपर वाला रास्ता दिखा दिया मेरे को कि जा बेटा, तेरा आजाद, तू आजाद। ठीक है, अब जो है तेरा कहानी खत्म, अब जा घर, अब जा बैग पैक करा,
पैक करके अपना कपड़ा वपड़ा लीजिए, एक बच्चा मेरे साथ रहेगा, एक बच्चा आपके साथ रहेगा, और कोई मेंटेनेंस भी नहीं देना है, इसमें लिखा है कोई मेंटेनेंस खर्च नहीं। पहले तो बड़ा साला मेरे को धौंस देती थी, इतना 50% आपको देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, 70 लाख देना पड़ेगा ना, ये ले ले, ये 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 1 रुपए का मेंटेनेंस नहीं देना, आजाद आजाद तू बेटा सुप्रीम कोर्ट में। अपने आप से पूछ क्यों क्यों, कुछ नहीं है मेरा, कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ। चलो बता करो कि हफ्ते में 5 दिन करोगे, बोलो बोलते हो मंजूर है, हम छोड़ देंगे। 3 चीज, तीसरा ऑप्शन देते हैं, या तलाक, या सुप्रीम कोर्ट, या हफ्ते में 3 दिन, मतलब सॉरी हफ्ते में 5 दिन। तुमको तो कोई नहीं चाहिए है, तुम तो पत्थर दिल इंसान, तुमको तो तीनों नहीं चाहिए, तुमको खाली पैदा किया गया है धरती पे मेरी मारने के लिए, है ना, चारों तरफ से बस इसकी मारो, तो मैं मारूंगा, मुझे मौका मिला है, और ऐसा मारूंगा ना साला नामो निशान मिटा दूंगा, कहानी खत्म, ओके मिलते हैं सुप्रीम कोर्ट में। I will see you on the street. ऐसा मत करो, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ। हाथ मत जोड़, तू हाथ जोड़ने के लिए कौन बोल रहा है, तू और कुछ बोलती तो मैं सुन भी लेता, लेकिन हाथ जोड़ने के लिए मैं तेरे को लाया हूँ ना, तू ये बोल कि हाँ आज से हम लोग हफ्ते में 5 दिन जितनी आपकी मर्जी उतनी, वो बोलती तो मैं एक बार सुनता। क्या ठीक है, क्या बोलेंगे, हफ्ते में 8 दिन है, हफ्ते में 8 दिन करेगी, 8 दिन होता है। तो ये रहा कैमरा और ये रहा वीडियो और ये रहा आपके जुबान, ठीक ना, अब इस जुबान से आप पलटिए मत, यहाँ देखिए कैमरा लगा हुआ है, प्रैंक वीडियो बन रहा था, हफ्ते में 8 दिन का आपने वादा किया है, ठीक है, हफ्ते में 8 दिन का वादा है, लोग गवाह हैं, है, और आप इसे मुकर नहीं सकते। वो क्या था, वो तो मजाक था, वो भी मजाक था, ये भी मजाक है, लेकिन बस आपके जो मुख से निकले हुए शब्द हैं वो मजाक नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए, वो मजाक से बढ़ के वो कुछ और होगा, क्यों 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 करते हो, क्यों करते हो ऐसा, अरे बस कर भाई कैमरा, ऐसा कोई करता है क्या, तो तुम जैसा करते हो वैसा भी कोई करता है क्या, ऐसा भी नहीं होता भाई, जब ऐसा नहीं होता तो वैसे भी नहीं होता, अगर ऐसा होता है तो वैसा भी होता है, ठीक ना, इसलिए सावधान है, सतर्क रहे, कभी भी सुप्रीम कोर्ट इस चीज को पारित कर सकता है, ये आपको जो मैसेज, ये जो आपने देखा है ना, ये गलत नहीं देखा है, ये सच्चाई है, ये मजाक नहीं था, थोड़ी सा बात करो, और अगर आप नहीं सुधरे, हफ्ते में 8 दिन नहीं किए, तो सुप्रीम कोर्ट का गेट आज भी मेरे लिए खुला है और कल भी खुला रहेगा, चल जा, हाँ जाए जाए, बोलो वो भी जाते हैं। दोस्तों, भाइयों और बहनों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें और